वो वाला जो कल वाला हमने मोमोज नहीं बनाए थे उसको हाँ पहले मैं चिकन धो लूँ, किचन कहने लगी थी, पहले मैं चिकन वो डाला मैंने इसमें पानी भी ला जा, कल भी तैनू दोबारा था। सो गाइस मेरी बहन ने कल मेरे लिए बनाए थे मोमोज, तो मैंने सोचा मैंने अपनी प्यारी बहन के लिए आज बनाती हूँ बिरयानी और साथ में बाबा के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ चिकन धोने, चिकन धोने के बाद मैं आपको टोटली रेसिपी शेयर करूँगी बिरयानी की, आपने लाजमी बनानी है। मज़ा ना आया तो हमारा विद लाइफ को अनसब्सक्राइब कर जाना, ठीक है? तो मेरे तरीके से बनाइएगा, देखना मैं कैसी बनाती हूँ, आ जाए चलते हैं। हाँ पहले मैं चिकन धो लूँ, किचन कहने लगी थी, पहले मैं चिकन धो लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ 2 मिनट के बाद। चिकन हमारा वो पड़ा हुआ है, इसमें हम लोगों ने रखे हुए हैं लहसुन अदरक, अब इन सबको निकाल के एक प्लेट में रख के फिर आपको दिखाती हूँ। वेट, ये हमने निकाल लिया है लहसुन अदरक और हरी मिर्च, यहाँ पे हमने ले लिया एक पतीली, अब हम लोगों ने इसमें डालना है ऑयल, मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। अब हम इसमें डालेंगे उसकी पानी, जस्ट ये चीज़ें डाल के इसमें, अब मैंने इसमें डालना एक प्याज कट कर, मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी खुशबू आने भी लग गई है। प्याज को डाल देना है इसमें, एंड नमक, जीरा, काली मिर्च और थोड़ी सी गर्म मिर्च, मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर, जिसको थोड़ा सा भूनते हैं और मजीद अंदर डाली है बंद गोभी, ठीक है, और इमली भी, और प्याज मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने एक और इसमें ऐड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करते हैं, फिर थोड़ा पानी डाल देंगे इसको गलने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ना मैंने इसे भूना है, कोई मसाला नहीं डाला और ऐसा लग रहा है जैसे उसमें कुछ डाला हो मसाला वगैरह, मैं पानी डाल दूँ। इसमें आप लोगों को दिखा नहीं पा रही लेकिन मैंने इसमें नमक डाला, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच वो डाला मैंने इसमें दड़ल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और अब मैं सूखा धनिया डालने लगी हूँ, और मैंने इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड किया है। तो अब ये थोड़ा सा फिर से इसको भून रही हूँ, 5 मिनट तक रखने लगी हूँ क्योंकि ये गल ही चुका है हद से ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि ये गल, हाँ अब इसको थोड़ा सा ना डाल रहे हैं बाबा के लिए खाना, वो रहा हमारा का और ये रहा मेरा, हम तीनों घर पे अकेले होते हैं, बाबा, मैं और मेरी बहन, और हम सारा दिन कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ। वैसे बाबा को खाना दे हमारा, यार तू ना पहले ना फ्रिज में से रायता लेके आ, और आपको पता है गाइस हम सिर्फ एक टाइम खाना खाती हैं दोनों बहनें, बस रात को भी हमने ये पापड़ खा के गुजारा किया है। दुपट्टा नहीं है कोई, दुपट्टा उधर से पड़ा है वो पीछे उधर, ये चावल और डाल दो, ये थोड़े हैं, बोतल भी ले आओ, हाँ बोतल लेके आ बाबा ने देते नाले ओ लेके आ रहता खाना।
रायता डालो, मैं चम्मच लेके आता हूँ। बाबा को चम्मच भी तो देना है। ये हम दोनों के राइस। मैं आन नहीं, फिर पानी भी ला जा, कल भी तैनू दोबारा थले आना पिया। हाँ ही बोतल, यानी के कल भी तैनू थले आना पिया सी ना दोबारा। आहो कल भी मेरे दो फ्रिज लगे। हाँ ना डिगी ना। बहुत मजेदार बने हैं। खाना अच्छा बने हैं। हम पूछना सी चावल सही ने? बहुत मजेदार बने हैं। चल शुक्र है, बाबा भी पसंद आए ने। आहो वधिया बने हैं। खाना खा लिए हम। सही है। लोग खाना खाने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बहुत मजेदार बने हैं वाकई। कुछ न्यू अपडेट के बाद मिले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज अमारा को पड़ गया है फिर से खाना बनाने का दौड़ा, और वो गई है किचन में मेरे लिए नाश्ता बनाने। जैसे कि आपको मेरी शक्ल देख के लग ही रहा होगा कि मैं अभी अभी सो कर उठी हूँ, और उठते सार मेरी ना आँख को पता नहीं क्या हो गया, रेड हो गई है, और इधर कुछ हो रहा है। ये देखो इस साइड पे ना, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी आँख को। देखते हैं मेरे लिए क्या बना के लाती है। मुझे लग रहा है कुछ अलग बना रही है वो मेरे लिए। कल हमने बनाए थे ना मोमोज और चिकन रोल वगैरह, तो मेरी उसका ना जो मिक्सचर होता है ना फिलिंग, हाँ फिलिंग वो बच गई थी, और हमने डिसाइड किया था कि कल जो है ना इसका पराठा बना लेंगे, साथ में बीच में चीज़ ऐड कर लेंगे। तो मैंने बनाना था वो, ये कैसे बनाएगी, इसको तो रोटी नहीं बनानी आती, तो ये चिकन वाला पराठा कैसे बनाएगी। तो अभी आती है तो मैं आप सबको बताती हूँ, देखकर दिखाती हूँ आप सबको भी कि किसने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। अच्छा मोबाइल में मैं कैमरे की तरफ उधर देख रही हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा है मैं टेढ़ी देख रही हूँ, मतलब भैंगी देख रही हूँ, लेकिन कैमरा आई थिंक ये है इधर, लेकिन वो मैं अपनी तरफ देख रही हूँ। कितनी मैं भैड़ी लग रही हूँ सो के उठ के, थोड़ा मुंह पतला हो जाए ना, फिर प्यारी लगूंगी, सोनी लगूंगी। अभी देखो आँख में से इतना पानी आ रहा है। देखा मैंगो को नहीं खाए तो इस दफ़ा दाने नहीं निकले। ये बात नहीं थी कि तब मैंगो इसलिए नहीं खाए कि पैसे नहीं थे, बात ये थी कि मैंगो खा के ना मतलब वो एक सुइये सी चुभती है, वो हो रहा था, होता है ना, मैंने खाए थे तो उसी सुइये सी चुभ रही थी, मैंने कहा अब नहीं खाने, अब नहीं हमने ये खाने, तो इस वजह से फिर हमने नहीं खाए। फिर बड़ा दिल चाह रहा था, फिर हमने थोड़े से खाए। देखो मेरा मुंह भी तो साफ हो गया ना पहले से, सिर्फ ना मेरे ना निशान वो नहीं होते जो से दाना फेंसते हैं ऐसे करके, और एक सुराख सा बन जाता है, जैसे कि ये है तो ये है, बस ये रह गया गाइस। इनका बता दें मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी ने मुझे कहा था फीलिंग करवा लो, अब मैं वो पता करूंगी जब हमारा की जाएंगे ना सब वो करवाने, क्या था वो रिम लेज़र वालों का मुँह का लेज़र, तो फिर जाएंगे ना तो मैं उससे पूछूंगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। बाजू थक गई है मेरी बहुत ज़्यादा, देखती हूँ ना अमारा क्या कर रही है। कर देखते हैं कि अमारा क्या कर रही है। अमारा
ये क्या कर रही हो? रोटी। तो तुम बनाने लग गई हो? मैंने इसके अंदर चिकन भर दिया, वो वाला जो कल वाला हमने मोमोज नहीं बनाए थे उसका। ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन यार वो चीज भी डालना सी के नैन दवा। मैं नहीं पाई चीज ना खाना, मक्खन पा लवांगे ते रहन दे फिर एंजी सही है। सुबह सुबह मक्खन खा के या चीज खा के तन पता साडा सिर फड़ आ जांदा है। पर्दा चुके मां के एंजी रहन। नहीं 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 ऐसे मैं बस आ ले अंदर ही। वाओ, तो आज ये नाश्ता बना रही है और उसने इतना अच्छा पराठा फील करके रख भी लिया एक। तो अब देखो कैसे। हाय मैं सोनी नहीं लगती पाई, एडा कैमरा जूम। हाँ उनकी बनेगा मेरा, मैं तो सोनी भी नहीं लगती पाई। हूँ तुम किंज वेखोगे। चलो फिर एंजी वेख लवो, थोड़ा जहा तो टप्पा हैगा है, एंजी वेख लवो। वाह मुश्किल करना। तेरा क्यों टूट गया? मेरा तो बिलकुल सही है। ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਵੜੀ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਆਂ ਚ ਦੇਣਾ ਚਿਕਨ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ। ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਅਬ ਅਮਾਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚਾਏ। ਮੁਝੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਮਾੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਤਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ इतनी अच्छी बहन होगी किसी की? बहन की आंख की इतनी परवाह है। तेरी आंख को कुछ हो गया ना, इसलिए मुझे कह रही है तो तुम किचन में नहीं जाओगी। तो कल हमने कपड़े धोए थे, आज हमने जो कपड़े हमारे जमा हुए हुए थे ना, वो सारे कपड़े हम लोगों ने कर लिए खत्म। और अब हम लोग जो है आराम करेंगे, दोनों काम करेंगे घर के सारे। इतनी गर्मी में मैं बिल जमा करवाने गई, ऊपर से बिल भी जमा भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने ना सी भी सूरत जमा करवा के ही आई, इतनी मुझे गर्मी लग रही थी। उफ हो गया शुक्र है बिल जमा। थक गई हो? है मेरा मोबाइल नहीं।